जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया पे अभी तक 5G नेटवर्क आया नहीं है। अभी इंडिया पे सिर्फ और सिर्फ 4G नेटवर्क है और गवर्नमेंट ने अभी तक ये परमिशन नहीं दिया है। एयरटेल ने तो भाई टेस्ट वगैरह करके रेडी है, हैदराबाद में टेस्ट किया था, उसमें स्पीड वगैरह सब कुछ दिखाया था, बट इंडिया पे अभी तक 5G नेटवर्क जो है लॉन्च नहीं किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिल रहा है। अब कब परमिशन मिलेगा ये तो पता नहीं है। इंडिया पे अभी 4G है, बट अगर देखा जाए तो भाई काफ़ी सारा कंपनी जो है 5G फ़ोन लॉन्च कर चुका है, जैसे कि रियलमी का काफ़ी सारा फ़ोन जो है लॉन्च कर चुका है, काफ़ी सारा भाई लोग खरीद भी चुके हैं, और Xiaomi का भी है, मोटो का भी है, और भी काफ़ी सारा सैमसंग का भी फ़ोन आपको 5G देखने को मिल जाता है। तो इस जगह पे 5G नेटवर्क तो आया नहीं है, बट 5G फ़ोन लॉन्च हो चुका है। और सुनने में आ रहा है कि कुछ कंपनी जो है सस्ते में भी 5G फ़ोन लॉन्च करने वाला है, जैसे कि इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, माइक्रोमैक्स है, ये सारे कंपनी जो है 5G पे काम कर रहा है। तो शायद बहुत जल्द जो है ये सारे कंपनी की तरफ से 5G फ़ोन आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 4G नेटवर्क है और 5G मोबाइल आ चुका है, तो अभी हमने 5G मोबाइल खरीदना चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दो कमेंट आया है। ये वाला कमेंट आप सबसे पहले देख लो। भाई Realme 5G फोन में 4G सिम यूज कर सकते हैं? भाई 5G फोन में 4G सिम सपोर्ट करेगा या फिर नहीं? तो ये दो कमेंट ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी का मन में आया होगा जरूर। क्योंकि जब 4G आया था तो 3G जो फोन था उसमें जो है 4G जो है सिम सपोर्ट नहीं हुआ था। आपको पता होगा अगर आप 3G फोन में लगाने जाएंगे तो उसमें जो है सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि 3G फोन में जो है वोल्टी का सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए 3G फोन में जो है जियो का 4G वाला सिम जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम आया था। तो इसलिए काफी सारा भाई का माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जब हम लोग 5G मोबाइल खरीद लेंगे और इंडिया पे 5G नेटवर्क तो है नहीं, तो मतलब हमें 4G सिम लगाना पड़ेगा। अब 5G मोबाइल में 4G सिम सपोर्ट करेगा, चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इंटरनेट काम करेगा या फिर नहीं करेगा, कॉल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो ये सारा क्वेश्चन जो है कुछ भाइयों का मन में जरूर आता होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और हाँ, आपको वीडियो का एंड में या फिर कहीं पे भी यहाँ पर एक पिन देखने को मिलेगा, जो कि आप लास्ट में डाल देना ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो एंड तक देखो। तो दोस्तों देखिए, जब इंडिया पे 4G आया था तो उस टाइम 3G फ़ोन में 4G सिम जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था, कॉल वगैरह नहीं कर पा रहे थे। उसका ये वजह है कि उसमें वोल्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था, मतलब 3G में वोल्टी नहीं रहता, वो LTE रहता है, और 4G में वोल्टी रहता है, इसलिए जो है वो सिम मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाता, इसलिए उसमें सपोर्ट नहीं हो रहा था, हम लोग नेट कॉल कुछ नहीं कर पाए थे। तो ये प्रॉब्लम 3G और 4G में हो रहा था। लेकिन एक चीज़ शायद आपने नोटिस नहीं किए होंगे, 3G से जब 4G में अपग्रेड हो रहा है तो उसमें जो है LTE के साथ हमें वोल्टी भी देखने को मिल जाता है। मतलब 3G सिम हम लोग 4G मोबाइल में यूज कर पाएंगे, बट 4G सिम हमें 3G मोबाइल में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3G में आपको वोल्टी नहीं मिलता है, बट यहाँ पर 4G में आपको LTE मिलता है, इसलिए 3G सिम जो है 4G मोबाइल में चल जाता है। तो कुछ उसी तरीके से जब 5G इंडिया पे आया नहीं है और 5G मोबाइल आ चुका है और हम लोग अगर 5G मोबाइल खरीदते हैं तो 4G सिम जो है उसमें चल जाएगा, क्योंकि 4G का जो जो बैंड है मतलब वोल्टी है वो आपको 5G में देखने को मिल जाता है, और वहाँ पर 5G तो सिम चली जाएगा, बट 4G सिम अगर आप लगाएंगे तो वो भी चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कुछ दिन पहले मैंने एक 5G मोबाइल में 4G सिम को लगा के टेस्ट भी किया था, जहाँ पर साफ साफ देखने को मिला था 4G मोबाइल से 5G मोबाइल में वही सिम है, बट स्पीड ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि उसमें बैंड वगैरह का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये साफ है कि 5G मोबाइल में आप 4G सिम यूज कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आपको दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है वो हटा दो, 5G मोबाइल में आप 4G सिम यूज कर पाएंगे, स्पीड वगैरह आपको अच्छा मिलेगा। बट एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अभी हमें 5G मोबाइल खरीदना चाहिए या फिर नेटवर्क आने के बाद, मतलब 5G नेटवर्क इंडिया पे आने के बाद। तो मैं आपको यही कहूँगा, अभी 5G में मत जाओ, क्योंकि अभी जितना सारा 5G फ़ोन आ रहा है उसमें 5G के साथ और भी जो जो फीचर्स आ रहा है मोबाइल में, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ, वो मुझे बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है। 5G के लिए मोबाइल का प्राइस ज़्यादा हो जा रहा है, तो जब इंडिया पे 5G आ जाए तब लेना, तब शायद ये चीज़ जो है मेंटेन हो जाए और सारे चीज़ आपको 5G के साथ बेहतर भी देखने को मिले। तो ये कुछ कहना था मुझे, 5G मोबाइल में 4G सिम आप यूज कर पाएंगे। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, ये वाला पिन जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलिए मिलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।